दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी जेडी के नए भर्ती के बारे में, जो कि 2020 में ऑनलाइन होने वाली है। तो बहुत सारे लड़के के मन में ये डाउट है कि एसएससी जेडी की भर्ती कब आएगी, कितना इसका उम्र सीमा मांगेगा, कितना पोस्ट हैं, कब से फार्म भरा जाएगा। तो इन सभी बातों का डाउट क्लियर हम आपको इस वीडियो में कर देंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ताकि किसी भी डिफेंस का या सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी प्रोवाइड होता रहेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2020 का, तो जैसे कि आप लोग सुने होंगे या जानते भी हैं या कितना लोग उसमें अभी हैं भी, कि जो 2018 में फार्म भरा गया था उसका 2019 में फरवरी मार्च में एग्ज़ाम कराया गया और अगस्त सितंबर में फिजिकल हुआ, ठीक। जिसका अभी मेडिकल बाकी है, जिसका अभी क्या बाकी है, मेडिकल उसका आपके दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में जब भी हो, वो तो एसएससी के ऊपर है, हमारे और यार आपके हाथ में है नहीं। जब भी हो, तो जब मेडिकल इसका हो जाएगा तब ये न्यू वैकेंसी जो है एसएससी जीडी का, उसका फार्म अप्लाई होगा ऑनलाइन। बहुत यूट्यूबर बता रहे हैं कि अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, उस समय भी नहीं हुआ, और अब दिसंबर में कर रहे हैं कि दिसंबर लास्ट में होगा, लेकिन दिसंबर लास्ट में भी नहीं हुआ। ये लिख कर कहीं रख लीजिए कि नहीं होगा। तो ये जनवरी में या जब तक आपका ये पुराने वाले एसएससी का मेडिकल कन्फर्म नहीं होगा सभी बच्चों का, तब तक ये नई वैकेंसी का फार्म नहीं भरा जाएगा। तो ये तो आप कन्फर्म हो गए कि जब तक मेडिकल कन्फर्म नहीं होगा पुरानी वैकेंसी का, तब तक ये फार्म अप्लाई नहीं होगा, ऑनलाइन जो है फार्म नहीं होगा। और ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। सब प्रोसेस इसी का, जो पिछले बार एसएससी 2018 में डाले थे वही प्रोसेस चलेगा। उसके बाद से पोस्ट का बात करें तो देखिए, इसमें 84,000 प्लस अभी ऑफिशियल साइट से मतलब पता चल रहा है कि 84,000 प्लस आएगा, लेकिन जब आ जाए तब कहना है कि हाँ इतना पोस्ट आया है। लेकिन अभी आपको बता दें कि 84,000 प्लस आ रहा है, लेकिन इस समय जो पुराने में 54,000 आया था उसमें भी टेंटेटिव था, तो उसमें बढ़ा करके 58,800 कुछ किया गया, तो इससे ज़्यादा ही भर्ती आएगी, मतलब 84,000 प्लस आएगी। और एज आपको बता दें कि कब से कब तक, देखिए ये तो स्पष्ट है कि जनरल वालों के लिए 18 से 23, उसके बाद से 2 वर्ष छूट मिलता है ओबीसी का और 5 वर्ष एससी एसटी का छूट मिलता है। मतलब कि जो ओबीसी में है 18 से 25, और जो इसमें है क्या कहते हैं एससी एसटी में हो 18 से 27-28 तक मिलता है उसका उम्र का सीमा। और ये नहीं आपको निर्धारित अभी कर पाएंगे कि कितना समय से कितना समय तक मांगा है कि इतना इतना के बीच में जन्मतिथि होना चाहिए, ये अभी ऑफिशियल साइट से जारी नहीं हुआ है। और ऑनलाइन फार्म कब से शुरू होती है, तो हम आपको बता ही दिए कि जब तक मेडिकल समाप्त नहीं होगा ये पुराने वाला, तब तक ये नई भर्ती नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो बस ये वीडियो हमारा बनाने का यही मकसद था कि आप लोग फर्जीवाड़े वीडियो बहुत देखते हैं कि इस समय से ऑनलाइन होगा, उस समय से ऑनलाइन होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जब तक पुराने का मेडिकल समाप्त नहीं होगा तब तक ये किसी भी शर्त पर ये एसएससी जीडी वैकेंसी 2020 जो है वो ऑनलाइन नहीं कराएगी, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।